ठीक है ठीक है, आप लगाओ पहले इसको अपने हेयर पे लगाओ। किसकी गाड़ी है? मेरा छोना भी मैं नहीं हूँ। वाह वाह, मम्मा छोटी हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो ये है मेरा ब्रेकफास्ट, मेरा नहीं है मतलब हम तीनों का, तीनों से मतलब मैं, मम्मी और मेरा बेटा आदि और मन्नत भी। तो अब किचन में चलते हैं और जो मैंने लास्ट वाली वीडियो में आपको बताया था मिर्च का अचार, उसकी आज जो है मैं आपको बताने वाली हूँ कि किस तरीके से मैंने वो अचार डाला था। तो सबसे पहले मैंने ली है इस तरह की मिर्च, आप बड़ी भी ले सकते हैं, छोटी भी ले सकते हैं, किसी भी टाइप की मिर्च ले सकते हैं जो आपको मिल जाए। उसके बाद आपको धो के अच्छे से सुखा लेना है उनको, या तो कॉटन के कपड़े में या फिर थोड़ा सा धूप में। उसके बाद इस तरीके से मैंने काटा है इनको, आप किसी भी तरीके से काट सकते हैं, लंबा छोटा गोल, मतलब जिस तरीके से भी आपको अच्छा लगे कट कर सकते हैं। साथ में इसमें डलेगा ये मसाला, और ये हमारे घर पर होता ही होता है तो बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। इसके अंदर है धनिया और मेथी, सौंफ, कलौंजी, और इस मतलब ये तीन चार चीज़ का ही जो है, ज़्यादा इसमें कुछ नहीं डालना होता है। ये मोस्टली सभी के घरों में मिल जाते हैं, और इनको हल्का दरदरा सा जो है मैंने मिक्सी में पीस लिया है। तो आप इसको रेडीमेड भी ले सकते हैं, आपको रेडीमेड भी मिल जाएगा। उसके बाद जो है मैंने तेल को बहुत अच्छे से गर्म करके और गैस जो है बिल्कुल बंद कर दिया। जब तेल हल्का सा जो है ठंडा हुआ, उसके बाद मैंने जितना ये जो पाउडर बनाया था सारा का सारा पाउडर इसके अंदर डाल दिया। क्वांटिटी देख के आप बना सकते हैं, जितनी मिर्च है उतना मैंने ली है, 1 किलो मिर्च। तो उसमें कम से कम लगभग 1 पाव से थोड़ा सा कम था ये, तो ये डाला है। उसके बाद आपको गैस नहीं ऑन करना है, सिर्फ गैस बंद कर देना है, क्योंकि तेल को अच्छे से पका के उसका जो स्मेल होती है सरसों के तेल की वो निकल जाती है। उसके बाद सारा मसाला डाला, मिर्च डाला और हल्दी डाला और अमचूर पाउडर डाला जिससे टेस्ट अच्छा आ जाता है, और नमक जो है इसमें थोड़ा ज़्यादा डालना होता है। तो और बस मैंने ऐसे मिक्स कर दिया। नमक ज़्यादा डालने, मतलब ज़्यादा डालने से एक तो मिर्च का अचार कभी ख़राब नहीं होता है, दूसरा अच्छा टेस्ट आ जाता है। और इस तरीके से चला लेना है। साथ में मैं डालूँगी इसके अंदर विनेगर, तो ये घर का सिरका है, मतलब ये गांव से मेरे लिए आया था, मेरे जो है फादर इन लॉ है उन्होंने भेजा था। तो मैं ये डालूँगी। सिरके से क्या होता है, इसका जो ख़राब होने का चांस होता है वो कम होता है और टेस्ट भी अच्छा हो जाता है, तो और डाइजेस्ट भी बहुत अच्छे से हो जाता है ये चीज़ ना। तो इस तरीके से रखेंगे, तो 1-2 दिन मैं इसको डब्बे के अंदर रख के धूप लगाऊंगी। और अगर आप धूप नहीं लगाना चाहते तो आप फ्रिज में रख सकते हैं इसको और डेली खा सकते हैं। तो अब चलते हैं, मुझे बाहर बहुत प्यारी प्यारी आवाज़ आ रही है, आपको सुनाने चलती हूँ। तो बहुत मधुर सी आवाज़ आ रही थी कोयल की, लेकिन जब तक मैंने इसको रिकॉर्ड करना शुरू किया तब तक वो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो अब चलते हैं अपने मन्नत के पास मस्ती करने। किसकी गाड़ी है? गाड़ी का मालिक का है? गाड़ी कौन चलाएगा? चार्ज कर दी गाड़ी? अरे हो आप कैंपिंग आ गए हो, क्या तोड़ा भाई, आपने रिपोर्ट गिरा दिया। गाड़ी की गाड़ी की आपके पास गाड़ी है फिर आपने बाइक आपकी आपकी बाइक का है? आने वाली है आपकी बाइक, फिर आपको अपनी बाइक में मुझे भी बैठाओगे? तो बेबी छोटा बच्चा वाँ 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 नहीं, मम्मा छोटा बच्चा बन बेबी बन गई। नहीं देखो कितना छोटा हूँ, फिर अर्शितान हूँ। कहाँ जा रहे हो? हमें भी बिठा लो अपनी गाड़ी में। मैं छोटा हूँ, प्लीज प्लीज।
डैडी करो मेरा सोना बेबी डैडी कर दो मुझे गाड़ी में ऐसे चिल्लाते हैं कोई कलाकार चिल्लाते आप अजय क्यों चिल्लाते हैं ये खाना खाने का टाइम है तो आपके हेयर देखो कितने बड़े हैं इनको कट कर दे ना तो फिर इनको इनको ऐसे कर दे ऐसे नहीं ऐसे ऐसे नहीं यार ऐसे पीछे रखते ना हेयर क्योंकि आपके बहुत बड़े बड़े हेयर है ना बड़े बड़े भी नहीं है इतने भी बड़े बड़े इतने तो बड़े बड़े हैं कितने बड़े हैं छोटा कितने बड़े हैं बताओ आप बोल के बताओ ना कितने बड़े थोड़े इसको लगाओ इसको लगाओ इसको लगाओ अच्छा चलो चलो आज सुना दो गायत्री माता मंत्र सुना दो प्लीज मैं बाबा नहीं सुनाता मैं बाबा नहीं सुनाता मैं बाबा नहीं सुनाता प्लीज मैं सबको नहीं सुनाता आज मुझे सुना दो सबको नहीं सुनाओगे तो आओ ना हीरो ये क्या है आप किचन में क्या करते हो पहले बताओ आप किचन में क्या करते हो मुझे ये बताओ बर्तन साफ करने आए हो आप किचन में क्या कर रहे हो गिर जाओगे आप बेटा क्या कर रहे हो आप किचन में पहले बताओ मन्नत की सबसे फेवरेट जगह क्या करोगे इनका बताओ क्या करोगे इन डब्बों को बोलो ना पूरा दिन रील बना के रखता है मेरा ये बच्चा और पता नहीं कितनी बार नीचे गिर जाता है सीढ़ियों से तो इसके साथ साथ रहना पड़ता है आज भी ऐसा हुआ कि बहुत ही बाय लक मतलब बाय चांस मैं इसके पास थी कि मैंने इसको बचा दिया नहीं तो सीढ़ियों से पूरा सर के बल नीचे आता जितना बड़ा रिस्क था ना इसको इस दुनिया में लाने के लिए उतना ही बड़ा रिस्क है इसको पालना क्योंकि पता नहीं कहाँ कहाँ से मतलब बैठा बैठा ही गिर जाता है इतनी सारे चोटें इसने फेस पे लगाई हुई है ना ये तो अच्छी वाली नहीं है ये अच्छी वाली नहीं है अच्छा आप अभी अभी फिंगर माउथ पे भी रखते हो पहले बताओ अब हो गया हाँ किनका है आप किसके हो आपके आ गया वो भी आ गया तो मैं क्या चाहता है ये क्या है आप ऐसे क्यों करते हो बताओ आपने तो आधा ऐसे नहीं करने के लिए बोला था पहले बोला था अच्छी सी पिक दे दो किधर 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 I don't wanna waste what's left Storms we chase are leading us And love is all we'll ever trust Yeah No, I don't wanna waste what's left And we'll go Through the wastelands, through the highways Chala se chalte hain, chala Aram se chala, gitna mat, theek hai? Ma, abhi aake bhi picture Bhi picture अभी गिर गए थे ना अभी गिर गए थे ना अभी गिर गए थे ना गिर गया था ना अभी नीचे आओ नीचे जल्दी आओ